हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रोहित शर्मा को पहले टी20 में ना खिलाना कप्तान विराट कोहली के लिए खासा भारी पड़ गया है। अब पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजय जडेजा ने मैच के बाद एक क्रिकेट टॉक शो में खुलासा किया, रोहित शर्मा को आराम नहीं दिया गया बल्कि शायद उनकी फिटनेस इसकी एक वजह हो सकती है। जहां तक मेरी समझ है तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा यो-यो टेस्ट के मानदंडों पर खरे नहीं उतरे। संभव है कि इसी कारण से विराट ने उन्हें भारतीय टीम के प्लेइंग 11 से बाहर रखा हो। आपको बता दें, जडेजा की इस बात में इसलिए भी दम दिखता है क्योंकि रोहित इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई लिमिटेड सीरीज का हिस्सा नहीं थे। तब रोहित को फिटनेस के चलते लिमिटेड ओवरों की भारतीय टीम से बाहर रखा गया था। हालांकि इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में आखिर के 2 टेस्ट और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 4 टेस्ट की सीरीज का हिस्सा रहे, लेकिन लिमिटेड ओवरों की सीरीज के शुरुआती मैच में एक बार फिर उन्हें आराम दिया गया। रोहित को ना खिलाना विवाद का विषय बन गया है। अजय जडेजा ने ये बात जिस मौके पर कही, उस दौरान स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के फिटनेस टेस्ट में फेल होने की बात चल रही थी। रोहित के अलावा जडेजा ने टीम इंडिया के फिटनेस पर भी अपनी बात रखी। जडेजा के मुताबिक विराट कोहली ने मैच से एक दिन पहले जो बयान दिया था उसमें उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि खिलाड़ियों की फिटनेस टीम चयन का पहला मानदंड होना चाहिए। इसके चलते वरुण चक्रवर्ती को दूसरी बार टीम इंडिया में सिलेक्शन के बाद बाहर होना पड़ा है और शायद यही वजह है कि रोहित भी यो-यो टेस्ट की परीक्षा में फेल हो गए और टीम में शामिल नहीं किए गए। अजय जडेजा के अलावा भी क्रिकेट के दूसरे दिग्गज भी रोहित के बाहर बैठने से कप्तान विराट से खासे नाराज हैं। क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि रोहित दूसरे मुकाबले में वापसी करेंगे। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट और लाइक के जरिए दे सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो बल्लेबाजी.com एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। इसमें आप अपनी टीम बनाकर इनाम जीत सकते हैं। हमारी इस खबर के नीचे ऐप डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उस लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।